शांति शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति आप शांति शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति काम शांति क्रोध शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु 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 द्वार खोलो क्यों खोला गया अमात्य क्या मगध के अमात्य मगध के नियमों से ऊपर है नहीं अमात्य तो क्या सम्राट का ऐसा आदेश है कि मगध के अमात्यों के लिए मगध के नियम ताक पर धर दिए जाएं नहीं अमात्य तो आपने नगर द्वार खोलने की अनुमति क्यों दी मैंने विचार किया कि आपने विचार किया कि मुझे प्रातः की प्रतीक्षा में कष्ट हो मेरे पद और मेरी पीड़ा से मगध की सुरक्षा अतुलनीय है स्मरण रहे
मगध सम्राट के जीवन से भी मगध की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। स्वयं सम्राट भी मगध की सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस घटना की सूचना तत्काल नगराध्यक्ष को दे दी जाए। जो आ गया अमात। अंतःपाल को अपनी अभिज्ञान मुद्रा दिखा सीधे नगर में प्रवेश कर सकते हैं। सार्थवा, शीघ्र ही शुल्काध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हों। अभिज्ञान मुद्रा तुम्हारा परिचय पत्र विष्णुगुप्त तक्षशिला निवासी हो अब जा सकते हो।
पागल हो गया है क्या? तू बोलता क्यों नहीं? तेरे पति को धननंद की सिपाही उठा ले गए। मुझे तुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है विष्णु। सत्य बड़ा कठोर होता है माँ। पर तेरे पिता जीवित भी तो हो सकते हैं। तू भी ब्रह्म में जीना चाहती है, उसी ब्रह्म में जिसमें तेरा पति जीता था, कि मगध के लोग उसकी सहायता को आएंगे। अगर तेरा पति जीवित भी है तो उसे रोज थोड़ा थोड़ा मारा जाएगा। विष्णु, अग्नि को समर्पित करने के पश्चात अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। तू अपने भीतर साधना की अग्नि को जन्म देना। जलना, ज्ञान की साधना में जलना। सूरज न सही, दीपक तो जरूर बनना। वर्षों से कभी नगर तवार तो कभी पाटलिपुत्र की विधियों में विष्णु को ढूंढ रहा हूं। अब टूटने लगा हूं। मन बार बार आशंकित हो उठता है, पर हर बार मन को समझाता हूं कि विष्णु अभी जीवित है। उसका स्मरण करते ही मन भीग जाता है। पर मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? क्यों नहीं मुझे एक बार विष्णु से मिला देता? अब अपने जीवन पर विश्वास नहीं रहा। मेरी सहायता कर, पाटलिपुत्र छोड़ने का आदेश नहीं है मुझे। कहां ढूंढूं विष्णु को? उसकी प्रतीक्षा ना होती तो अब तक इस जीवन का भी त्याग कर दिया होता। भी है विष्णु, भेज दे उसे, भेज दे एक बार, सिर्फ एक बार, उसे एक बार देख लूं तो फिर आसानी से अपने प्राण त्याग सकता हूं। नागरिकों पर आक्रमण कर उन्हें लूटने का प्रयास किया है। नागरिक, क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? मैं निर्दोष हूँ महाराज। झूठ मत बोलो नागरिक। यदि किसी पर भी अन्याय हुआ तो पाप का भागी मैं होऊंगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। नागरिक, प्रजा के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, अतः तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। मंत्रीवर, ये एक मास के लिए कारावास में डाल दिया जाए। पर राजन, ये मगध का नहीं, अभी तू मालव जनपद का नागरिक है, अतः इसे और कड़ा दंड दिया जाए। मंत्रीवर, अपनी मराबा को भंग मत करो। मेरे राज्य में कोई मगध, कोई मालव, कोई विच्छी, कोई पांचाल नहीं, कोई कुरु, कोई लिच्छवि नहीं। मेरे साम्राज्य में जनपदों की सीमाएं मानव को बांट नहीं सकती, धर्म की व्यवस्था मानव को काट नहीं सकती। मेरी दृष्टि में सभी एक हैं, सभी भारतीय हैं। याद रहे भविष्य में पुनः अलगाव की प्रवृत्ति को पोषण करने वाली बातों को न्यायालय में पुनः न उठाया जाए। आज की सभा यही विसर्जित होती है। सम्राट की जय हो। राजन, अलगाव की भावना तो भिन्न भिन्न जनपदों के नागरिकों के मानस में बहुत गहरे बैठी है राजन। उसे कैसे दूर किया जा सकता है? जनपदों की सीमा रेखा मिटाकर। सीमा रेखा मानव ही तो खींचता है राजन। अलगाव की भावना को तो उसके मस्तिष्क से उखाड़ फेंकना है, पर वह कैसे संभव है?
अभी तो मैं अज्ञानी हूँ देव। पर विनयी हो। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। और तुम्हारे आचार्य का? बोलते क्यों नहीं? मेरा कोई आचार्य नहीं देव। क्यों? सभी कहते हैं मैं हीन कुल का हूँ, गाय बकरियाँ चराता हूँ ना मैं। मैं पढ़ना चाहता था पर सभी ने मुझे धुतकार दिया, अपने द्वार पर खड़ा तक रहने नहीं दिया। मैंने उनसे बहुत कहा कि मैं उनके द्वार दूर बैठ के ही पाठों को सुनूंगा, पर हर जगह मुझे अपमान ही मिला। मैं इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा एकलव्य। चंद्रगुप्त, तू अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं लाया है, मैं उन संभावनाओं को नष्ट नहीं होने दूंगा। आज से तेरा आचार्य मैं। उत्कृष्ट भारत। चंद्रगुप्त, मेरी माता मुझे पुकार रही है, मैं आपसे कल मिलूंगा। मैं बंधागार में ठहरा हूं चंद्रगुप्त। हरि ओम। हरि ओम। गणानत्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिग्वं। देखो बाहर अमात्य राक्षस मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें आदर पूर्वक यहां ले आओ। यह भी बड़ा हठी है, नहीं मानेगा। अब तुम सब विश्राम करो। किसी दिन मैं तुम्हारा घोर अपमान करूंगा, तब तुम यहां ना बंद करोगे। दुष्टों की रक्षा करने वालों को क्या आशीर्वाद दूं? आयुष्मान भवा, मैं जानता था तुम आओगे, तुम अपना क्रम नहीं बदलोगे और मैं अपना। मौन क्यों हूं अमात्य? आप मगध को इतना बड़ा दंड क्यों दे रहे हैं? अमात्य, इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष तुम मुझे शब्दों से रिझाने का प्रयास करते हो और मैं एक ही उत्तर देता हूं, फिर भी मुझे तुमसे दो बातें करना अच्छा लगता है। मगध के प्रति तुम्हारी निष्ठा के कारण ही तुम मुझे प्रिय हो, अन्यथा मैं दुष्टों की रक्षा करने वाले के अमंगल की कामना करता। फिर तुझे सुझाव देता हूं, छोड़ दो नंद परिवार को, दुष्टों की सेवा करने से कभी तुम्हारा भी घोर अपमान होगा। अमात्य। हाँ आर्य। मगध में कोई भूखा तो नहीं रहता है ना? नहीं आर्य। स्त्रियों शिशुओं व निर्दोष जनों की रक्षा तो होती है ना? हाँ आर्य। ब्रह्मचारियों को भिक्षा तो मिलती है ना? हाँ आर्य। मगध के आचार्य अपने दायित्व का निर्वाह ठीक से तो कर पा रहे हैं ना? हाँ आर्य। नागरिकों को उपासना की स्वतंत्रता है? हाँ आर्य। नागरिकों का चरित्र एवं आचरण शुद्ध है? सम्राट का आचरण शुद्ध है? आर्य, कल ज्ञान सभा में आए तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। तुम मुझ पर अप्रसन्न हो लो अमात्य, पर मैं जहां नंद हो वहां नहीं आऊंगा। आर्य हो। बस अब और तर्क नहीं, तुम यूं ही बैठे रहो मौन,
तुम बोलोगे तो मैं क्रोधित होऊंगा। कष्ट हो रहा है अमात्य? नहीं आ रहे। जाओ, घर जाओ। सुनो अमात्य, मगध को संभालना और ध्यान में रहे किसी विद्वान का नंद के हाथों अपमान ना हो। धन्य है तेरी माता अमात्य, तेरी निष्ठा के आगे मैं भी नतमस्तक हो जाता हूं। प्रगति है सोमाल्या की? पाश और अपनी बाई और कुमार थोड़ा व्यर्थ प्रहार करते हैं, अन्यथा प्रगति संतोषप्रद है। काल जाई, कुमार को लेकर राजभवन पहुंचे। जो आगे कंटक ने मुझे आहत किया था, इसलिए इन्हें समूल नष्ट कर रहा हूँ। बहुत पीड़ा हुई होगी। अतिथि अग्नि पर दौड़ सकता हूँ, पर किसी निर्दोष को यह आहत कर सके या मैं नहीं सह सकता। कांटों से भी कहीं गुना अधिक पीड़ादायी वस्तुएं और भी तो है आचार्य। जो भी निर्दोष के लिए पीड़ादायी व अनर्थकारी हो उसे नष्ट करना ही चाहिए,
उसे नष्ट होना ही चाहिए चंद्रगुप्त। इस मट्ठे के कारण थोड़ी ही देर में चींटियों के झुंड यहां आएंगे और ये समस्त कंटक समूल नष्ट हो जाएंगे। चलो आचार्य, क्या बात, ज्ञान सभा में नहीं जाएंगे? आज तो वहाँ बुद्धि और शक्ति का समन्वय होने वाला है। अवश्य जाऊंगा। महामात्य, परीक्षा का समय निकट आ रहा है और अभी तक महाराज घननंद व अमात्य वर्ग का आगमन नहीं हुआ। मैं अभी देखता हूं। आचार्य, भारती व मां सरस्वती तुम्हारा कल्याण करें। लो गौरांग, आज तुम भी 10 सहस्त्र का शापण हार गए। तुम लोगों का खेल समाप्त हो गया। क्यों, कोई है मगध में जो धनानंद को पराजित कर सके? आओ आमात्य, कैसे हैं तुम्हारे ये साथी?
एक भी ढंग से चलना नहीं जानते। और इस विचक्षणा और इसकी सखियों को देखो, यह चतुरंग के खेल में मुझ पे विजय पाना चाहती है, जबकि मैं इससे कहता हूं कि मैं इसके सम्मुख हार चुका हूं। महाराज, ज्ञान सभा में दूसरे जनपद से आए हुए सभी स्नातक विद्वान व मगध के नागरिक आपकी परीक्षा कर रहे हैं। फिर वही ज्ञान सभा, फिर तुम वहां नीतियों की बात करोगे और वे स्नातक नीतियों के खोखले आदर्शों को मुझ पे थोपने का प्रयास करेंगे, और जो स्नातक सबसे अधिक श्रेष्ठ जीवन मूल्यों, परंपराओं और विचारों को व्यवहार में लाने की बात करेगा, उसे तुम मगध के राजकुल के किसी बड़े पद पे आसीन कर दोगे। बस जाओ, उनसे तुम ही निपटो। और महाराज से पहले आप सबको सभा भवन में पहुंचना है, मगध के अमात्यों को उनके कर्तव्य का बोध कराऊं, इतने अबोध नहीं है वे। जाइए आप लोग। चलिए महाराज। पता नहीं क्यों तुम्हारे आगे मैं विवश हो जाता हूं महाबाद्य। आइए। आज भिक्षुकों की तो भीड़ लगी है महामात्य। मैं वेदों को साक्षी मानकर इस ज्ञान सभा में विभिन्न जनपदों से आए स्नातकों से प्रश्न करना प्रारंभ कर रहा हूं। मैं आलोक काशी जनपद का निवासी आचार्य पिनाकपाणि का शिष्य सभा को प्रणाम करता हूं। धर्म और अर्थ का स्रोत क्या है? धर्म और अर्थ का स्रोत राज्य है। प्रमाण? नमोस्तु राज्य वृक्षाय षड्गुण्याय प्रसाखिने सभादि चारु पुण्याय त्रिवर्ग फलदायिने। राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल राजा है। राजा, मंत्री परिषद, सेनापति, सैनिक, प्रजा और देश का परस्पर संबंध क्या है? राजा राज्य रूपी वृक्ष का मूल है, मंत्री परिषद उसका धड़ है, सेनापति उसकी शाखाएं हैं, सैनिक उसके पल्लव है, प्रजा उसके पुष्प है, देश की संपन्नता उसके फल है और समस्त देश उसका बीज है। साधो। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा किस पर विजय प्राप्त करना राजा के लिए परमावश्यक है? दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इंद्रियों पर विजय पाना परम आवश्यक है। अतः काम क्रोध लोभ मान मद और हर्ष के त्याग से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? बोलो, क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? मुझसे ही किसी राजपद अथवा कारशापणों की भीख की अपेक्षा रखने वाले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? किसी में साहस है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का? नाम? अग्निवेश। जनपद? तक्षशिला। आचार्य?
तक्षशिला का गुरुकुल। आचार्य वररुचि ने भी तक्षशिला के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है। सबसे बड़ा शत्रु अहंकार, निर्धन का धन विद्या। सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। स्त्री का आभूषण लज्जा। सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। जो सब कुछ लुटा दे वह दानवीर, और जो लूट रहे हैं वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों व राजपुरुषों से करनी चाहिए। सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ का मूल राज्य है। राज्य का मूल इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय का मूल विनय है। विनय का मूल वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किस में है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। हाँ। तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है? सामर्थ्य ही शास्त्रों को जीवित रखता है। मूर्ख, बोलो क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं। तो मैं यहां बैठे लोगों का सेवक हूं? उत्तर दे मूर्ख। ओ, तो अब इसकी बारी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले, इन शठों के साथ तू भी लूट ले धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार? शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूँ कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूँ। निकालो इस ब्राह्मण को यहाँ से। मैं कुत्ता नहीं हूँ धनानंद, जिस स्वामी की ठोकरे खाने के बाद भी उसके तलवे को चाटे। ब्राह्मण अवध है। जो हाथों में तलवार थमाना जानते हैं वे अपनी रक्षा करना भी जानते हैं। मैं किसी के रक्त का पैसा नहीं। कल तेरा द्वितीय जन्म होगा चंद्रगुप्त। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषाभयं नोऽस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषाभयं नोऽस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषाभयं नोऽस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषाभयं नोऽस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषाभयं नोऽस्तु।